वेलकम फ्रेंड्स अगेन टू माय लेट्स टॉक शो, लेट्स टॉक लाइव शो विच इज़ लाइव शो एंड आई एम कंडक्टिंग दिस लाइव एवरी डे. टुडे अगेन आई एम कंडक्टिंग दिस लाइव शो बट आई एम नॉट गोना टू कनेक्ट विद एनीबॉडी. आई एम गोना टू अपलोड अ वीडियो विच इज़ शॉकिंग. आज की दुनिया में भी ऐसा मैंने वीडियो में देखा कि लोगों का रोड बंद किया गया है एंड जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके हालात कैसे हैं वो सारे उसमें दिखेंगे. तो आप एंजॉय कर लीजिएगा ये वाला वीडियो जो अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ. तो आप इसको देखें और देखें कि कैसे पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है. जो भी पावर में आते हैं, किसी को पावर मिल जाती है तो वो किस तरह से बाकी लोगों को डाक में रख के और रोड को एनक्रोच कर लेते हैं. और अगर कहते हैं कोई किसी का रास्ता रोक लेता है तो उसका रास्ता अल्लाह ताला रोक लेता है. तो यही चीज़ है. कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा देखें. तो अभी मैं वो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ इसके बाद, इसी लाइव के बाद. तो आज के लिए बस इतना ही. आज के लिए आपके लिए एक वीडियो आया हुआ है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ. बस थोड़ी देर तक आपके मोबाइल स्क्रीन्स तक वो वीडियो पहुँच जाएगा. बाकी आज के लिए इतना. वहाँ पूरे नाले का पानी जो है इसी से जाता है. आप देख सकते हो ये नाला बना हुआ है, ये रोड नहीं, ये रास्ता भी नहीं. इसको किस क्या समझोगे, ये रोड है, रास्ता है, पानी का नाला है, क्या करोगे? यहाँ से इंसान कैसे गुजर सकते हैं? माल मवेशी भी इसी रास्ते से जाते हैं, टीचर भी इसी रास्ते से आते हैं और बच्चियाँ भी इसी रास्ते से आती हैं. तो उधर से मतलब हर चीज़ इधर से गुजरती है. कभी कभार ये ट्रैक्टर जो है हिम्मत करके लोग लाते हैं, वो ट्रैक्टर भी इसी रास्ते से गुजरता है. इधर से गुजरता है घोड़े लाते हुए, बजरी रेता भी इसी रोड से जाते हैं. अच्छा, घोड़े भी इसी रास्ते, घोड़े भी इसी रास्ते से. तो ये है स्कूल की हालत. ये टूटा हुआ क्यों है? इधर से टीन का क्या क्या हुआ? टीन क्या, यहाँ पूरे डेस्क क्लोज करके यहाँ रखे हुए हैं. ये देखो जी, ये स्कूल की हालत है. तो ये क्यों नहीं बन रहा है स्कूल? के मतलब यहाँ मटेरियल क्या, रोड की वजह से नहीं बन रहा है? मतलब मटेरियल नहीं पहुँच सकता है. ठेकेदार आता है और देख के चला जाता है. और यहाँ से शिफ्ट करके मिडिल स्कूल का कमरे दे दिया. हाँ, यहाँ से शिफ्ट करके बिल्डिंग दूसरे स्कूल में जाके बना दी. दूसरे स्कूल में, मिडिल स्कूल हरदी में, मिडिल स्कूल. हाँ, यहाँ से चार कमरे स्कूल के लिए थी, बड़ी पुरानी बात है. तो लेकिन यहाँ से शिफ्ट करके, क्योंकि इसको रोड नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है. और फिर दूसरी बात जो है, ये स्कूल की ये पोजीशन है, ये स्कूल का फ्रंट का वाला पोर्शन है. ये जो पोजीशन बनी है, जरा एक बार आप मुझे बताना कि ये जो मशीन है. अच्छा, इस साल कितने का गाछ बिका था जी? सर 75,000 रुपया सरकार ने दिया था और 40,000 का घास बिका. ये घास इस साल का 40,000 का, 1,00,000 कुछ बनता है उसका. ये रंग हुआ सामने जो, ये सामने वाला रंग हुआ है खाली. तो ये मतलब जब बरसात का मौसम होता है तो बच्चियां बाहर बैठती हैं. जी जी जी. जब खुश्क मौसम होता है तब बच्चियां अंदर बैठती हैं. और डेस्क ठगिए हुए एक रूम में. ये सब मतलब टूटा फूटा सब कुछ सिस्टम है. और छत के ऊपर हम चढ़ नहीं सकते हैं. ये छत के ऊपर छत जमे हुए हैं, घास जमा हुआ है, पूरा पानी इसके बीच में आता है. जरा इधर से देखो, दिखा जरा इस तरफ. आप बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है. ये देखो जी, ये मतलब ये सड़क की पोजीशन है, ये रोड की, रास्ते की. और ये बच्चियों के मामला ऐसे हैं. मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले मामला आप करते हो अगर, तो ये है, ये रोड की हालत है. यहाँ से बच्चियाँ गुजर के आती हैं. ये कोई बड़ी बात नहीं है. मैं आपको पूरा ये सिचुएशन बता रहा हूँ. देखो ये कमरे कहाँ बना हुआ है. मतलब यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक हमने नाम दिया हुआ है. और ये देखो मतलब ये कमरा यहाँ बना हुआ है और दूसरा कमरा और रास्ते में बढ़ा के हमारा रास्ता जो है रोक दिया गया हुआ है. तो इस तरीके से हमें सबको परेशानी बनी हुई है. ये पूरी बस्ती जो है, ये थोड़े से घर नहीं, 200-400 मतलब 500 मतलब तीन वाले गुलता संतुल जी इसमें आती हैं और एक वार्ड हरनी वाली आती है. चार वार्ड इसी रास्ते से मतलब
इसी रास्ते से कवर होती है। और ये है मतलब ये है इधर मतलब ये रास्ता है मतलब रास्ते में ये देखो ये इधर से जो ऊपर वाले से तरफ से लोग आते हैं वो भी इधर से पानी भी नाले का इधर से जाता है रास्ता भी यही है। देखो मतलब पानी की हालत देखो रोड की हालत देखो ये पत्थर बिछाए हुए हैं थोड़ा सा करते हैं फिर मतलब इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ यानी जो सेंट्रल गुप्ता के जो सरपंच साहब हैं वो भी यहाँ थोड़ा सा मतलब 10 यानी 100-200 गज की दूरी पर रहते हैं और ये मतलब उन्होंने भी इसको वैकेट करने की कोई इतनी कोशिश नहीं की जिसकी वजह से ये पूरा जो है रास्ता जो है बंद पड़ा हुआ है और लोग जो हैं परेशानी के आलम में लोग परेशानी। ये देखो ये स्कूल की हालत है जनाब ये इसका कोई खिड़की दरवाज़ा है ये देखो खिड़की दरवाज़ा है ये बच्चों के लिए जो ब्लैक बोर्ड है ये इन्होंने ये देखो बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड जो है बच्चों के पढ़ाई के लिए वो ब्लैक बोर्ड आगे रख के इन्होंने ये कमरों का मतलब वो किया हुआ है बंद करने के लिए ये किया हुआ है। लेकिन देखो इसके ना कोई दीवार है ना कोई रास्ता है ना कोई ये स्कूल की है ये हालत है गर्ल्स हाई स्कूल हरनी है ये गर्ल्स हाई स्कूल हरनी है जनाब इसकी ये पोजीशन है। आप देखो कि ये गर्ल्स हाई स्कूल हरनी है हमने नीचे से यहाँ तक देखो हमारे 10-20 मिनट लगे हैं तो ये गर्ल्स हाई स्कूल हरनी की ये बिल्डिंग है जनाब ये देखो इसकी ये पोजीशन है। अब बच्चियाँ कहाँ बैठेंगी क्या करेंगी ये कहाँ बैठेंगी इधर से पीछे देखो ये नाला उधर जाता है रोड और ये उधर ये मतलब नाला जाता है इधर से ये है और इधर से ये मतलब ये भी टूटा फूटा है। अब मैं क्या बताऊँ कि ये आपके नहीं एक तरफ से तो आपको यहाँ तक ले चलता यहाँ से मैं बताऊँ आपको कि ये गर्ल्स हाई स्कूल हरनी के जो कमरे बने हुए हैं जनाब ये आप देख सकते हो कि गर्ल्स हाई स्कूल हरनी के ये देखो डेस्क जो हैं ये बच्चियों के बैठने के लिए होते हैं ये देखो इन्हें स्टोर किए हुए हैं क्यों कि यहाँ मतलब इनको पानी टपकता है इनको बैठने के लिए बैठ ही नहीं सकती। ये देखो आप आराम से देख सकते हो ये डंप किए हुए हैं और ये स्कूल के दरे दरवाजे खिड़कियों की हालत है ये दरे दरवाजे खिड़कियों की हालत जहाँ आप देख सकते हो ये डंप किए हुए हैं ब्लैक बोर्ड जो है ये ब्लैक बोर्ड जो है वो डंप किए हो ये ऊपर वाली वो देखो ये पेड़ जो है आगे पीछे हुए हैं ये पेड़ जमे हुए हैं लेकिन ये बड़े बड़े पेड़ थे जब हमने इनको 40,000 रुपया दिलवाया घास का तो इन्होंने इसके ऊपर से थोड़े से वो पेड़ कटवाए बाकी पेड़ जो है अभी मौजूद हैं और ये इसमें ब्लैक बोर्ड की ये देखो ब्लैक बोर्ड लगा के इन्होंने मतलब दरे दरवाजों के आगे ये ब्लैक बोर्ड रखे हुए हैं कोई बंद नहीं है स्कूल की बिल्डिंग की बच्चियों के स्कूल की बिल्डिंग का ये पोजीशन है ये देखो जी ये बच्चियों के स्कूल की बिल्डिंग है और ये देखो ये इनकी मतलब स्कूल के कमरे हैं बने हुए अब आप आगे भी देखोगे कि ये मतलब ये इनकी पोजीशन है आप देख सकते हो कि ये स्कूल जो है ये बच्चियों के बैठने के लिए है क्या जी ये स्कूल बच्चियों के बैठने के लिए है बैठने के लिए कहाँ है जी देखो इसकी हालात देखो पहले ये देखो जी मतलब क्या जी आप क्या सोचते हो कि ये बच्चियों के बैठने के लिए ये स्कूल है नहीं, तो अगर है नहीं तो मतलब फिर इसको बनवाने के लिए रोड चाहिए यहाँ पंप लगाने के हैंडपम्प बच्चियों के लिए पानी पीने के लिए।